भागवत टुंगी अष्टादश रे पृथुबले सर्वे दुहिले मही भले गोविंद 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 पदुगढ़ी मकरंद बोले श्रीमद भागवत भगवान की जय। जेतबले माँ धरित्री की हत्या करिवा पाई महाराज पृथु उद्यत हेले धरित्री देवी निजे स्वरूप धारण करी महाराज पृथुंक पाखे तांकर जीवन भिक्षा करिसेंती एवं कहिसेंती महाराज आपण मते बिना कारण रे मारिवा को जाउसेंती कारण मु होची आपणकर सृष्टि आ आपण होचेंती मोर स्रष्टा स्रष्टा कण सृष्टि की नष्ट कर दिए आपण चाहिले मारी पारिबे किंतु आपण परा दिने मते सुरक्षा देकी रक्षा करिसेंती प्रभु जेतबले हिरण्यक्ष राक्षस मते नहीं जाउथला आपण ता कबल सुकर रूप से मत उद्धार करी स्थापना करी प्रभु तेणु मु आज आपणकर शरणापन्न मते जीवन दान करंतु से कथा को आज मैत्र मुनि विदुर पाखे बड़ा सुंदर भाव में उपस्थापन करुचंती अष्टादश अध्याय कुपित स्फुरित वचन शोभावे अरुण लोचन गोविंद 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 पदुगढ़ी मकरंद हेमंत पृथु मुख चाही भय चरण शिर देई गोविंद 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 पदुगढ़ी मकरंद विनय करी नाना स्तुति पुणी बोलाई बसुमती गोविंद 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 पदुगढ़ी मकरंद बोले श्रीमद भागवत भगवान की महाराज तो क्रोधरे प्रज्वलित तो ही जाइछंती तांका चक्षु लाल पड़ी जाइछि अरुण वर्ण ही जाइछि भयरे मध्य माँ धरित्री सेना कंपुले जाणुले जे मोर मृत्यु हो बोली जी क्रोध करे सी क्रोधे रागिगले देह थरे तंकर तो महाराज पृथु मध्य भय माने भय देखाई से क्रोधित होकर भय थरुंट आउ राजा माने साधारणतः अस्त्र धारण करि थांती महाराज पृथु धनुर्बाण धरिचंती एवं धरित्री देवी को विनाश करेंगे तिल प्रमाण खंड खंड करी काटी दबापाई बारंबार तागिद करी धमक देचंती तेणु भयरे आज माँ बसुमती विनय करी नाना स्तुति पुणी बोलई बसुमती बड़ बड़ विनम्रतार सहकारे माँ धरित्री देवी माँ बसुमती महाराज पृथु को प्रार्थना करी कहउचंती कहले हे महाराज आपण दयाकोरी कोप छाड़ू महत लोक मैंने जदि कोप करेंगे ताले जगतर के कल्याण हम ना दंडीबा शक्ति जार थाई से पुणी क्षमा आचरई आपणकर दंड दबार सामर्थ्य अच्छी किंतु संतजन मानक गोटे बड़ गुण होची से माने क्षमाशील तेणु जी क्षमा कर दिए से बड़ तेणु महाराज भोनाथ कोप छाड़ मोते मुही शरण गली तोते गोविंद 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 पदुगढ़ी मकरंद ये आत्मा कार्य विचारई संसारू सार आहरई गोविंद 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 पदुगढ़ी मकरंद जीते न कल्पे भीना भीने पुष्परू मधु कर जेने गोविंद 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 पदुगा श्रीमद् भागवत भगवान की बड़ा विनम्रतार सकारे माँ धरित्री देवी आज प्रार्थना करी कहते जे आत्मा कार्य विचारई संसार सार आहारई ये संसार भितरे सार आसार नहीं करिए धरित्री समस्त किसी ना कि गुण अच्छी आउ कि अवगुण अच्छी किंतु फूलरे संग्रह संग्रह करिबा काम होची मधुकर अर्थात महुमाछीटी नाना पुष्परे बसी रस संग्रह कला बली हे महाराज आपण जहाँ भल गुण अच्छी ताहा अन्य मानकटु ग्रहण करंतु अवगुण गुड़ाक परित्याग करंतु चिते नकल्पे भिना भिन्ने पुष्परु मधुकर जेन्ने तेणु आपण भिन्न भिन्न भितर से अभिन्न तत्व को आहरण करंतु पुष्परे नानादि प्रकार रस थिले मध्य मधुकर केवल महुई संग्रह करी थाए लिंब गछरे फूल अछि आउ नाना प्रकार ठाकुर ठिक देवयज्ञ फूल मध्य फुटुछि महु सबु फूलरे बसुछि किंतु से लिंबर तिक्तता गुण को से ग्रहण करूनी फूलर मधुरता को मधु ग्रहण करुछि तारा सारा वस्तु को ग्रहण करी आनी महु फेणारे साहित्यिक रखुछि ताहा जगतर कल्याण रे लागुछि। परम कारुणिक श्री श्री गुरुदेव कहते गोटे छोटिया पुस्तक शुभ वार्ता कहले सुधी पाठक वृंद मधुमक्षिका जेभली नाना रसरू नाना पुष्परू रस संग्रह करी साहित्य रखि थाए ताहा अन्यमान को कार्य लागिबो बोली मु सही भली नाना शास्त्ररू सार संग्रह करिछि आपण मान कार्य लगे बोली तेणु जो माने संत जन जो माने महत जन से माने सारा वस्तु ग्रहण करती ये असार जंजाल भीतर को प्रवेश करती नहीं। जे शांत इह परलोके सुजगी जन कहे मुके गोविंद 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 पदुगढ़ उपाय से फल भुंजती उभय लोके नहीं भ्रांति गोविंद 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 पदुगढ़ुछि मकरंद एहा जे न करई चिते जे जस लभी भके मनते गोविंद 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 बोले श्रीमद् भागवत भगवान की सतरे जो माने संसार को पालन करिवे राजा महाराजा माने से मानक पाखे समस्ते दोषी लोक जाऊँ पापी लोक जाऊँ पुण्यात्मा लोक पाखक जाऊँ गुणी माने जाऊँ अवगुणी माने जाऊँ तो राजांकर काम समस्तंग पाखरे न्यायोचित धर्म आचरण पूर्वक प्रजा मान को पालन करिवा। तेणु हे महाराज पृथु जे शांत इह परलोके जे उभय लोकरे इह लोकरे आ परलोकरे शांत जे सुजोगी जने कहे मुखे जे सुजोग्य लोक मान मुहरे भगवान मूर्तमय कथा कीर्तन करांती उपाय से फल भुंजती उभय लोके नाही भ्रांति तांकर इह लोकरे भ्रांति नहीं कि परलोकरे मध्य भ्रांति नहीं उभय लोक तांक पाई मंगलमय जे समस्त को समदृष्टि देखती न्यायोचित व्यवहार प्रदर्शन करी थांती जे एभली व्यवहार बा ए प्रकार आचरण न करिवे कहा प्रति पक्षपात करिवे ताले से उभय लोकरे शांति पाई पारिबे नाही। तेणु जी दंडनीय ताकू दंड दबा ठीक अछि आउ जहाँ आदर करने कथा ताकू मध्य आदर करने उचित। तेणु राजांक पाखरे दंडीवा शक्ति अच्छी क्षमा दबार सामर्थ्य मध्य अच्छी राजा चाहिए क्षमा करें जदि गोटे लोकर क्षमा करदेले तार जीवन मंगलमय होब परिवर्तन हो राज क्षमा दि जाई पारे। तेणे हे महाराज यह जे नकर चिते से जस लभिब केमंते तेणु आपण मते क्षमा कर दियंतु मु जदि अपराध करी बोली आपण अनुभव करूँ मु आपण पाखे क्षमा प्रार्थी ब्रह्माजे सर्वप्राणी ते गोविंद सस्य सामग्री कला जे ते गोविंद 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 पदुगढ़ी मकरंद गोविंद से सर्व मोर देहे थिला गोविंद एमंते तोर पिता मला गोविंद गोविंद मकरंद गोविंद राजा वियोगे सर्वधर्म गोविंद दुष्टे नासिले सर्व कर्म गोविंद 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 पदुगढ़ी मकरंद गोविंद बोले श्रीमद भागवत भगवान की जय। हे महाराज पृथु ये सुंदर सृष्टि के निर्माण करिचंती भगवान आ ब्रह्मा को कहिचंती समस्त प्राणी मान हित पाई सस्य सामग्री सब सृष्टि करिया पाई आमे जेते प्रकार सस्य देखुचे यह ब्रह्माकृत किंतु सही सृष्टि आज विनाश होला काहेकि माँ धरण देवी कहते हे राजा पृथु ये सुंदर सृष्टि के पालन लालन करिया पाई ब्रह्मा नानादि प्रकार सस्य बीज उत्पन्न करिथिले मात्र से सर्वे मोर देह थिला एमंते तोर पितामला धरित्री समस्त प्रकार सुंदर पुष्प फल धन धान्य परिपूर्ण होकर किंतु यही समय तोर पितांकर मृत्यु हो गला। राजा वियोगे सर्वधर्म दुष्टे नासिले सर्वकर्म जिते राजांकर मृत्यु हो गला पृथ्वीर अराजकता बढ़ीगला अनीति बढ़ीगला अधर्म बढ़ीगला जेते औषधि बीज थिला अराजा यज्ञ नाश गला जेते औषधीय वृक्ष थिला यज्ञ पाई जहा अभिप्रेत ये चोर मान भयरे डकैत मान भयरे ये कौन हैला सबू नष्टभ्रष्ट हो गला समस्ते सस्य बीज को समस्ते चोरी करी नहीं गले चौर भय अराजते भविष्य यज्ञ रक्षार्थे ये चोर भयर रक्षा करने क्षीण विरुद्ध देखी मुहि भक्षिली धेनु धेनुरूप होई जेतबले धरित्री धर्मलोप पाईगला अधर्म बढ़ीगला अन्याय बढ़ीगला चोर मानकर वृत्ति बढ़ीगला तेणु नानादि प्रकार औषधीय वृक्षलता को रक्षा करने भक्षिली धेनु रूप हो निजे गाय रूप धारण करी मुझे मोर उदर भितर रखी जदि मुझे ग्रास न करी थांती ये दुष्ट माने पापी माने समस्त वृक्षलता को नष्ट कर दे थांती से सर्व सस्य रस जेते खीरे बसंती मोर गात्रे ये जेते सस्य आउ जेते वृक्ष सबू मोर भितरे मोर क्षीर भितरे सबू परिपूर्ण होकर अच्छी तेणु हे महाराज आपण रोष त्याग करी कौन करंतु तू ये बे रक्षा कर मोते दोहन कर तू जुगते गोविंद 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 पदुगढ़ी मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की निजे आज धरित्री भी कहते महाराज मते न मारिक मोर प्राण रक्षा करंतु मु जेहेतु धेनु रूप धारण करी गोमाता रूप धारण करी पृथ्वीर अराजकता तत्व बढ़ीगला जितेबले अन्याय अनीति भ्रष्टाचार जिते बढ़ीगला चोर डकैत मानकर संख्या बढ़ीगला से ही समय धरित्री शस्यहीन होगला मु निजे गोमाता रूप धारण करी धेनु रूप धारण करी समस्त औषधीय वृक्ष एवं शस्य को निजे निज गर्भे धारण कर रखी गाई सेना नाना आड़े बुलिकी पत्र खाए घास खाए कुटा खाए किंतु सबुठी तार क्षीर न थाए सी ता पन्हा भितर क्षीर को साइतिक रखि थाए आमे गाई ठारू क्षीर केतबेले पाऊ ना गोटे बछा दरकार बाछुरी दरकार बाछुरीटे जिते गाई संगे क्षीर पान करिया को लगे बाछुरी के माध्यम करी गोमाता कौन करे क्षीर प्रदान करि थाए जिमती उपनिषद रे गोटे सुंदर कथा कह जाए गीतोपनिषद रे सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्सा सुधि भोक्ता दुग्धं गीता मृतं महत् जेते उपनिषद अच्छी सर्व उपनिषद गावो ये जेते उपनिषद गुड़िक सी होती गाई, खाली गाई हेले क्षीर मिलना। दुग्धा गोपाल नंदन भगवान कृष्ण होती गौड़। गाई की दुईवाई गोटे गौड़ दरकार, गोपाल पिला दरकार। आ गोपाल पिला हो गले गाई हो गले क्षीर मिल जीवना ना। गोटे बाछुरी दरकार, पार्थ बसा जाको सुंदर भाव में सरल गीतामृत लहरी परम कारुणिक सद्गुरु बाबा श्री बैकुंठनाथ कहते उपनिषद सकल गाई परी अटे मनरे भाण हे साधु जने दो नकारी नंद दुलाल साधु जने दो नकारी नंद दुलाल साधु जने दो नकारी नंद दुलाल साधु जने। बाछुरी भक्त अर्जुन आस्वादीन रस कला उत्पन्न हे साधु जने करी गला जगत कल्याण साधु जने करी गला जगत कल्याण साधु जने करी गला जगत कल्याण साधु जने। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम कारुणिक श्री श्री गुरुदेव कहते उपनिषद सकल गाई परी अटे मनरे भाड़ दोहनकारी नंद दुलाल। बाछुरी भक्त अर्जुन आस्वादीन रस कला उत्पन्न करीगला जगत कल्याण। बाछुरी की माने अर्जुन को बाछुरी करी भगवान कृष्ण कण कले ना। उपनिषद रूपक गायरु दुग्धं गीता मृतंग महत गीता रूपी अमृत को दोहन कले। ताकु पीबे किए साधु सजन से दुग्ध श्रद्धारे पीबे होई आनंद पार हेबे संसार समुद्र। साधु संत माने भक्त जन माने सही दुग्ध को पान करी कण करिबे संसार रूपी समुद्र को पारी हेबे। आजी धरित्री देवी कहले महाराज पृथ्वी को हे भगवान मु जो खाद्य शस्य को निज भितरे लुचई कि रखी धरित्री जो शस्यहीन हो जाइए बोली आपण मो उपरे कोप करूचंती। महाराज आवश्यक पड़िला अन्याय अनिति बढ़ीगला दुराचारी मानकर संख्या बढ़ीगला नले ये पापी जन माने समस्त वृक्ष औषधीय वृक्ष एवं शस्य बीज को नष्ट कर देई थांते। बाध्य कि रक्षा करने यज्ञ तो वृक्षर आवश्यकता अच्छी से मुझे धेनु रूप धरी ये समस्त शस्य को भक्षण करी निज भितर रखी एवं ताहा मोर दुग्ध रूपरे क्षीर रूपरे मोर पन्हारे संगृहित ही रही। आपण जदि दोहन करिवे शक्ति की पाई परिवे समस्त शक्ति सामर्थ्य जो दुग्ध पान कले बढ़ई शक्ति। शक्ति कौटी मिल खाद्य शक्ति मिले तो खाद्य शस्य सबू पाई परिवे जदि आपण मते दोहन करिवे। तू एबे रक्षा कर मोते दोहन कर तुझु कते गोविंद 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 पदुगळुछि मकरंद। बोले श्रीमद भागवत भगवान की। आज धरित्री देवी कहते भगवान पृथ्वी को हे महाराज मते आपण दोहन करंतु। जार जीवन जोटा जहाँपाई जहाँ उपयुक्त खाद्य देखते ये सुंदर संसार किंतु समस्त खाद्यपेय सामान नुहे। आपण देखुं आमर मनीष मान समाज में बड़ बड़ सब उत्सव होची आनंद उत्सव होची कोटी अष्टपरी कोटी यज्ञ कोटी कीर्तन कोटी विभागर कोटी व्रतगर भोजी होची। जदि गुड़िए खाद्य बलिगला आपण भावे कहीं खाद्य गुड़ाक नष्ट करवा नंदन कानरे बाघ तो खाइबा पाऊन तांकु नहीं अन्न डालमा खीरी खटा बेसर महुर दबा बाघ खाइबे ना ये पछे से मरीजे बर किंतु आपण को अन्न डालमा खटा खीरी से खाइबे ना कहीं खाद्य निर्दिष्ट। सीमित गोमाता सेमाने शस्य बा सेमाने घासपत्र तृण खाई बंचिबे तांको जदि आमे कहिबा खीरी गुड़ाक बहुत बली जाइछि गाय की खुआई दबा सकाळु आपण गाय की पाइबेनी कहीं तार जो हजम प्रक्रिया से क्षीर हजम कर सामर्थ्यता पाखे ना। ये विश्व ब्रह्मांड रे केते पशु पक्षी भगवान रखिंट समस्ते पुणी तो खाई पीकि बंची उपवास कहीं ना किंतु मनीष जेते खाइले मध्य से तृप्त नुह नले पशु पक्षी के देखिं अवस्था समस्ते आनंद सकाल हेले खिचिरी मिचिरी शब्द करी पक्षी माने राव करी नृत्य करुचंती पशु माने तंगो बाटरे जाउचंती किए तंगो खाइयाको जगौची। ये विश्व ब्रह्मांड मालिक समस्त अनसंस्थान व्यवस्था करिछि। सेई कथा धरित्री देवी कहिले कहिले हे महाराज पृथु क्षरिबी सर्व सस्य मुहि जार जीवन जेणे रही जार जीवन जोटा तो पशु पक्षी मानकर समस्त खाद्य अलग जेझांगर जीवन अलग अलग बाछुरीटे क्षीर पीकि बंचब आम तक अन्नगुंडा दे खाइबना खाइबनी तेणु जहाँ जीवन जो थे रु निश्चय ताहा प्रदान करी मते तमे दोहन कर। मु सर्व काम धेनु रूपे गोविंद सर्वेबी सर्वजन मुखे गोविंद 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 मकरंद गोविंद तू एबे मते रक्षा कर गोविंद धनु आयुध परिहर गोविंद 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 पदुगढ़ी मकरंद गोविंद बोले श्रीमद भागवत भगवान की माँ धरित्री देवी विनम्र भाव में प्रार्थना करी कहते महाराज आपण जो धनु धरी बाण धरी देखी मत बड़ भय लगुच तेणु हे महाराज धनु आयुध परिहर तू एबे मत रक्षा कर। महाराज मत रक्षा करतु ये धनु को आयुध को आप आग रक्षा करतु आग निजे संभा रखत क्या मत बड़ भय लगुच केतोले आप मारी पकेबे मते। महाराज जार जहाँ खाद्य दरकार मु समस्त को जगे देवी मो भीतर सबू अच्छी चिंता करतु माँ बापा मैंने गछटी माटी तलू तार खाद्य से ग्रहण कर बंची गछ उपर विभिन्न लटा अच्छा निर्मूली लटा से गच्छरू खाद्य संग्रह करी बंचुचंती केते कीट केते पशु केते पक्षी ये विश्व ब्रह्मांड रे अछंती 56 कोटी प्रकार जीवजंतु किए उपास मरुची भगवान समस्त को जोगे तांकर व्यवस्था करिसंती। मांकड़ गचरे बुलूं सी पुणी खाऊं किमती कौन खाऊं भी भगवान जोगे चली तेणु ये विश्व ब्रह्मांड रे सर्वमय कर्ता भगवान समस्त योजना रखिंट से अमृतमयी कथा को आम मैंने आस्वादन करवा पुणी परवर्ती पर्यायर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय।